बैक टू बैक क्लासेस परमानेंट हमारी जारी है। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट समझाया था और मैंने कहा था इस फॉर्मेट को अच्छे से नोट कर लेना सभी स्टूडेंट्स। होप सो बच्चों ने नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहा हो तो रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से नोट कर लेना उन चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि जब ये आप चीज़ें सीखेंगे तभी आप सेकेंड चैप्टर पर उतरेंगे और ये क्वेश्चन 100% बोर्ड के लिए कंपलसरी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी लापरवाही मत करो। ठीक, तो बात करते हैं हम अपने आज पूरे पैटर्न की कि पूरा पैटर्न हमारा क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में कम टाइम होता है, आपको बता दूँ 3 न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके, और मैं बाय चांस किसी न्यूमेरिकल के ही में थ्योरी मिल जाती है बाय चांस, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता कि और चॉइस में भी न्यूमेरिकल ही मिल जाती हैं। ठीक है, तो कैसे हमें न्यूमेरिकल को बहुत कम टाइम में करना है, कैसे हम अपनी स्पीड ग्रोथ करनी है, कैसे स्पीड बढ़ानी है, तो आज हम पूरे अच्छे से फॉर्मेट से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 10 है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि ऑन 30 जून 2012 फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू मेक आर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट। ठीक है, तो उसने बोल दिया यहाँ पर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये बोलेगा या फिर बोलेगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या होता है, फाइनल अकाउंट तीन काइंड होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, और तीसरा बैलेंस शीट। क्लियर है अपन? तो हमें इसमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया ऊपर कि तीनों चीज़ें बनानी है, या फिर अगर फाइनल अकाउंट बोलेगा उसका मतलब भी हमारी तीनों चीज़ों से ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है मैंने आपको बता दिया था, ये पूरा आपके सामने फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट को देख के ही सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे ए टू जेड। नीचे बैलेंस शीट ये अलग पेपर पर बनेगी। ठीक है, मैं अपना पेपर बार बार आपको पलटना नहीं चाह रहा था इसलिए मैंने नीचे ही बना दिया क्वेश्चन के नीचे आप, लेकिन एक पेपर पर ट्रेडिंग और पी एंड एल एक साथ बनाएंगे, उसके बाद अलग पेपर पर बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब एक इधर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल हो गई और इधर हमारी बैलेंस शीट हो गई। ठीक, दोनों ऐसे चलेगी, आपको पेपर बार बार ना पलटना पड़े इसलिए मैंने नीचे ही करा है ये क्वेश्चन पूरा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, यह है सबसे पहला सैलरी दी है, तो आपको पता होना चाहिए सैलरी कहाँ आती है। सैलरी आती है हमारी पी एंड एल के डीआर में। मैं क्वेश्चन को उस टाइप से करने का तरीका बता रहा हूँ जैसे बोर्ड में हम करते हैं क्वेश्चन, और हमारे पास टाइम कम होता है तो कैसे कैसे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सैलरी है, तो आपको पता है कि सैलरी किस में आती है, पी एंड एल में आती है। तो आपने क्या करा भाई, आपको पता है ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग का ऊपर का पार्ट थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें कम चीज़ें होती हैं। ठीक, कुछ पार्ट छोड़ दिया, कुछ पार्ट किस चीज़ का, पी एंड एल का। ठीक, तो कुछ पार्ट का पी एंड एल जो स्टार्ट करूँगा, आपको पता है सैलरी पी एंड एल में आती है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे कुछ पार्ट ट्रेडिंग का छोड़ के यहाँ पे क्या करा, स्टार्ट कर दी टू सैलरी। कितनी की है, 1500 की अमाउंट डाल दी 1500। क्लियर, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या होती है, चुंगी होती है, ये कहाँ पर जी यूज़ कर जाती है, ट्रेडिंग में यूज़ कर जाती है, तो मैंने क्या करा कुछ लाइन्स छोड़ के ऑक्ट्रॉय डाल दी, OCTORI। ठीक है, अगर आप अभी स्पीड तेज़ नहीं है आप लोगों की, तो आप क्या करें पहले सीक्वेंस देखें कौन सी ट्रेडिंग के, कौन से पी एंड एल के, कौन सी बैलेंस शीट के, फिर आप डालें। ठीक, नहीं तो इस हिसाब से करोगे तो बहुत कम टाइम लगता है और अच्छे से क्वेश्चन हो जाता है। पेटी एक्सपेंसेस आपको पता होना चाहिए कहाँ आते हैं भाई, आपको पता है पी एंड एल के डीआर में आते हैं, तो पी एंड एल का नीचे का पार्ट हो, ऊपर का पोर्शन किस चीज़ का है, ट्रेडिंग का। ठीक, तो यहाँ पर क्या करा मैंने, टू पेटी एक्सपेंसेस, कितने के थे टोटल 200 के, वो मैंने यहाँ पर शो कर दिए। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होती है, जब हमारे पास टोटल सेल होती है तभी तो सेल्स रिटर्न शो करेंगे। तो देखो अभी सेल्स रिटर्न से पहले हम क्या चेक करेंगे, हमारे पास सेल कितने की है, हमारे पास सेल ये आ गई कितने की है, 7500 की। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हैंड टू हैंड यहाँ पे दिखाया हमने बाय सेल और इसमें से दिखा दी हमने माइनस रिटर्न। सेल कितने की है आपके पास, देखो क्वेश्चन में 7500 की, और रिटर्न कितने की है क्वेश्चन में, 150 रुपये की। ठीक, माइनस कर देंगे यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक, उसे बाद में कैलकुलेशन करेंगे सारी कैलकुलेशन, पहले पूरा क्वेश्चन नोट कर लेंगे, हैंड टू हैंड कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे बाद में। ठीक, उसके बाद क्या है, सेल्स रिटर्न के बाद दिया है वेजेस। वेजेस आपको पता है कहाँ आती है, ट्रेडिंग में आती है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा भाई, टू वेजेस। ऊपर की लाइन क्यों छोड़ी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऊपर हम दिखाते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और 25, इसलिए यहाँ की लाइन छोड़ी है, इसके बाद ही नीचे शुरू कर रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक, वेजेस आ गए 250 की। क्लियर, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ आते हैं हमारे भाई, पी एंड एल में आते हैं, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक, तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कहाँ गया हमारा, पी एंड एल में 150 रुपये से। उसके बाद है स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक दिया है, अगर जो टेबल में स्टॉक होता है वो ओपनिंग होता है, नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है क्वेश्चन में लास्ट में। यहाँ पे आप अगर स्टॉक मिले तो स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक ही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले ऊपर डाल दिया टू ओपनिंग स्टॉक, कितनी है उसकी अमाउंट, 1000, तो 1000 हमने यहाँ पर शो कर दी। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद परचेज है, तो क्या करा हमने,
यहाँ पे दिखा दिया टू परचेज कितने की है, 5250 की। ठीक है, अब परचेज के बाद हैंड टू हैंड चेक कर लो कहीं रिटर्न तो नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में रिटर्न दे रखी है, ठीक, तो यहाँ पे क्या करा मैंने कर दिया माइनस रिटर्न कितने की, 250 की। माइनस जब करूँगा तो 5000 आ जाएगा। ठीक, अब आपको खुद ही पता चल गया मैंने ये जगह क्यों कवर करी थी, क्योंकि सबसे पूरा अपनिंग स्टॉक का था, उसके बाद परचेज यूज़ करते हैं, ठीक, उसके बाद सारा एक्सपेंसेस यूज़ करते हैं। ये सिक्वेंस होता है लिखने का, जैसे हम चलते हैं अगर हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो हम रोल नंबर वाइज शुरू करते हैं कि ए नंबर वाले ऊपर, बी नंबर वाले नीचे, सी नंबर वाले उससे नीचे। तो ये हमारा सिक्वेंस होता है कि भाई पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस, फिर जाना एक्सपेंसेस। ऐसे यहाँ पर पहले बाय सेल, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक या कितने भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो सब। ठीक है, तो स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। इंश्योरेंस कहाँ होता है भाई आपको पता होना चाहिए, कहाँ होता है, पी एंड एल में होता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस उठा के मैंने कहाँ डाल दिया, पी एंड एल में। कैश क्या होता है, कैश है मेरे पास संपत्ति, भाई मेरे पास पैसा है, कैश है, क्या है, कहाँ जाएगा कि मेरी एसेट्स है। तो एसेट्स में दिखा दिया मैंने कैश कितने का, 500 रुपये दिए बस, चलो 500 रुपये होंगे, चलो 500 तो बहुत है समय लॉकडाउन में सबके। ठीक है, उसके बाद आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, मेरी एसेट्स है, मेरी संपत्ति है, भाई मेरी संपत्ति खड़ी है, मेरा मकान खड़ा है, तो मेरी क्या है वो एसेट्स ही तो हुई। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया बिल्डिंग कितने की, 5000 की। क्लियर सबको। उसके बाद फर्नीचर, मेरे पास टाइल्स है, मेरा फर्नीचर है, बहुत कुछ फर्नीचर है भाई मेरे पास, एसेट्स है सब, सबको एसेट्स में उठा के डाल दो, जो जो आपके पास खुद की चीज़ें हैं, 1000 का एसेट्स डाल दिया। डेटर्स है, डेटर्स क्या होता है, डेटर्स जिनसे आपको पैसा मिलना है, जो दिया हुआ पैसा वो आपको मिलेगा, तो आपकी क्या है संपत्ति तो हो गई, संपत्ति हो गई, तो हमने उठा के कहाँ डाल दिया, डेटर्स में कितने के, 2000 के। उसके बाद आ गए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को अच्छे से समझेंगे। ड्राइंग्स क्या होती है मैं बता दूं, ड्राइंग्स वो चीज़ होती है कि मैं, मेरी एक खुद की दुकान है, मेरी ये परचूनी की दुकान है नहीं, सोच लो। ठीक है, सुबह सुबह भाई 4-5 ब्रेड है ताजी ताजी, मैंने क्या करा, एक ब्रेड निकाल ली, मेरा दिल पिघल गया, ब्रेड निकाल ली अपने पास। ठीक है, अब मैंने बिजनेस में अपने यूज़ के लिए चीज़ निकाली। ठीक है, अपने यूज़ के लिए जब भी हम बिज़नेस में चीज़ निकालते तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। अपने बिज़नेस में मेरे पास पैसा है, मुझे बिज़नेस में से थोड़ा सा पैसा निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया मैंने, उसे अपने पर्सनल यूज़ में ले लिया मैंने, तो वो क्या मेरे ड्राइंग्स, तो मेरी क्या हुई, लाइबिलिटीज़ तो हुई भाई। जब आप अपने बिज़नेस से पैसा निकाल लोगे अपने यूज़ के लिए और बाद में आप फिर उसे वापस कर दोगे बिज़नेस में डालने के लिए, तो वो आपको क्या, वो चुकाना ही तो है आपको, वो आपकी लाइबिलिटीज़ होगी। ठीक है, वो आपकी एसेट्स नहीं होगी, वो आपकी लाइबिलिटीज़ होगी, क्योंकि ड्राइंग्स क्या चुकाना है आपको, इसे समझेंगे कहाँ शो करेंगे। ठीक है, अभी इस पॉइंट पर टिक लगा लेते हैं। उसके बाद दे रखा कैरिज ऑन परचेज, दो टाइप की पॉइंट होते थे, कैरिज ऑन परचेज और कैरिज ऑन सेल। ठीक, तो कैरिज ऑन परचेज कहाँ पर आता है आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग में, कैरिज ऑन सेल कहाँ आता है आपको पता होना चाहिए पी एंड एल में। ठीक, कैरिज ऑन परचेज है तो यहाँ पर हमने उठा के यहाँ डाल दिया टू कैरिज ऑन परचेज कितनी, 400 रुपये। क्लियर, अब आता है कैपिटल। कैपिटल आपको पता होना चाहिए लाइबिलिटीज़ में आती है, ये आ गई मेरी कैपिटल कितने की थी, 5000 की, बड़े कम मैंने बटका दिया। फिर है बिल्स पे बिल, कुछ लाइन छोड़ी, क्यों छोड़ी वो भी आपको बताऊंगा अभी, इसलिए मैंने अभी हैंड टू हैंड डाल दी। बिल्स को पे बिल को ब्रैकेट में लिख देना है बीपी। ठीक, बीपी लिख लिया इसे, क्लियर, बीपी लिख लिया। बीपी कितने का है भाई हमारे पास, बीपी हमारे पास 1000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स, वो भी हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, लाइबिलिटीज़ में। ठीक, तो क्रेडिटर्स उठा कर डाल दिए यहाँ पे 2500 के। सेल हम डाल चुके हैं, परचेज रिटर्न हम दिखा चुके हैं, डिस्काउंट दे रखी है सीआर में, डिस्काउंट आती है हमारी पी एंड एल में। ठीक, अब यहाँ पे अगर इस साइड दी होती तो इस साइड आ जाती। ठीक है, स्क्रीन कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट इस साइड दी होती तो यहाँ पर आती, इस साइड दी है तो यहाँ पर आ गई। ठीक है, डिस्काउंट आ गई कितने की, 150 रुपये की। क्लियर, और फिर बाद में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या मतलब कि जो मैंने पैसा निकाल रखा या किसी को दे रखा उस पर भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा, तो मेरी इनकम ही तो हुई। अगर मैंने किसी को पैसा दे रखा उस पैसे मुझे इंटरेस्ट मिलता चला जा रहा तो मेरी इनकम है, और इनकम क्या होती है सारी सीआर होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर। और उसके बाद दे रखा क्लोजिंग स्टॉक इज 3200, तो आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है, यहाँ पर आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 3200, और एक कहाँ पर आता है, एक यहाँ पर आता है क्लोजिंग स्टॉक 3200। क्लियर, आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, लेकिन अभी क्या रह गया टोटल, वो
होना बाकी रह गया। ठीक है, तो इस स्पीड से क्वेश्चन करोगे तो आपका मुश्किल से मेरा 9 मिनट में समथिंग हो चुका है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और 2 मिनट का थोड़ा सा ऊपर लेक्चर था जो बच्चे सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी सुन ले करो, थोड़ा बहुत भाई मोटिवेट होते रहना चाहिए हर एक इंसान को। ठीक है, तो मुश्किल से ये क्वेश्चन आप जब नोट करोगे तो पूरा 7 से 8 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और 5 मिनट में कैलकुलेशन, मतलब कि आपको ये क्वेश्चन मिनिमम मिनिमम 13 मिनट में और मैक्सिमम 15 मिनट में, 2 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, उसमें हो जाना चाहिए। अब चलो ज़्यादा वीडियो को टाइम नहीं खींचते हैं, अपना टोटल करना शुरू करते हैं। टोटल करते हैं अब। हाँ तो स्टूडेंट्स, बात चल रही थी टोटल की। ठीक है, मैंने टोटल करा, पहले इस साइड का टोटल करा तो आया टोटल 6700 आपको स्क्रीन पर है, ठीक, और इस साइड का टोटल करा, सी आर साइड का टोटल आया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 10500। क्यों लिख दिया? क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होती है उसे हम शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी आर वाला पॉइंट ज़्यादा था, जितना ज़्यादा था वो लिख लिया, उसमें से ये सब चीज़ें राउंड फिगर जब मैं माइनस कर दूंगा कितनी, ठीक, माइनस करके कितना आ गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रॉफिट आ गया भाई मुझे, तो यहाँ पे लिख दिया 2 ग्रॉस प्रॉफिट सी डी कितना, 6 7 सॉरी 3850, 3850, 3850। अब इस प्रॉफिट को कहाँ लेके पहुँच गया मैं, मैंने बताया था क्रॉस मार्किंग होती है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वहाँ पर क्या था सी डी, और सी डी को कर दिया बी डी। ठीक, कितनी अमाउंट से, जो अमाउंट थे 3850। क्लियर, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है, यहाँ पे भी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब क्या करेंगे क्वेश्चन में, इसको इस साइड को जोड़ेंगे और इस साइड को जोड़ेंगे, देखेंगे किसका टोटल ज़्यादा है। अभी ऐड करते हैं, बात चली थी दोनों साइड के टोटल की, तो मैंने सी आर साइड का टोटल करा तो टोटल आया 4050। इसमें से मैं जितनी भी डी आर वाली चीज़ें हैं 1500, 200, 150 और लास्ट है 200, ये सब चीज़ें माइनस कर दूंगा तो टोटल बचेगा मेरे पास 2000। तो ये मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, सारी चीज़ें हम अपने हेड उठा के सब हम यहाँ पर डाल चुके थे। ठीक है, कोई एक भी हेड नहीं रहा हो तब हम सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। अब सारे हेड यहाँ पर हो चुके हैं, ट्रेडिंग आ चुका, पी एंड एल आ चुका, अब क्वेश्चन देखना समझना कि कैसे करेंगे। ये आपका आंसर आ गया पी एंड एल का 2000 रुपये। इस 2000 को उठा कर हमने कहाँ रखा हुआ, उठा कर फेंक के हमारा किसमें, कैपिटल में, तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया एन पी, एन पी बोले तो नेट प्रॉफिट। ठीक है, एन पी नेट प्रॉफिट कितना है टोटल 2000, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास 7000 रुपये हो गए। लेकिन याद रखना कि जो भी पॉइंट आता है उसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स माइनस कर दी, कितने की थी ड्राइंग्स, 500 रुपये की, जब माइनस करूँगा तो आएगा 6500। हाँ तो स्टूडेंट, टोटल चल रहा था हमारा दोनों साइड का। ठीक है, इस थोड़े से क्वेश्चन में चेक कर रहा था कि एक बैंक ओवरड्राफ्ट और है हमारे पास बुक में, उसमें लिखना भूल गया था, यहाँ पर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट और लिख लिया है क्वेश्चन में, जिसकी अमाउंट है टोटल 1700। ठीक है, क्वेश्चन सही होने की पहचान क्या है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे सही होता है, कि जो क्वेश्चन दिया है वो पूरा सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक, आप जब पूरा डी आर साइड का टोटल करोगे तो ये आना चाहिए 18150, और जब सी आर साइड का टोटल करोगे तो ये आना चाहिए 18150। अगर दोनों में डिफरेंस है तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, मैंने इधर का टोटल करा तो 18150 था, और इधर का टोटल करा तो 1700 का डिफरेंस था, तो मैंने 1700, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, क्वेश्चन मैंने सही कर दिया। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आपके सामने कभी कोई क्वेश्चन आता है और आपको कोई आंसर नहीं आ रहा हो तो उसको आंसर करने से पहले वह क्वेश्चन का टोटल कर लेना कि डी आर का सही है, सी आर का अगर बराबर है, डी आर इज इक्वल टू सी आर है तो सही है, और नहीं है तो मुझसे क्वेश्चन पुटअप करें, फिर उसमें सर मिस्टेक है। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की मिस्टेक थी यहाँ पर, 1700 मैं डाल चुका हूँ। अब जब आप लास्ट में इन सबका टोटल करोगे तो सबका टोटल आएगा 11700। ठीक है, क्या आएगा 11700, देख लेते हैं एक बार, 6500, 1000, 2500 और 1700, कितना 11700। क्लियर, आपको स्क्रीन पे है समझ हो। अब मैं इस साइड का टोटल करूँ, 500, 5000, 1000, 2000, 1000 कर लेते हैं, 500, 5000, 1000, 2000 और 3500, 11700। ठीक है स्टूडेंट, सभी को क्लियर क्वेश्चन, तो मतलब क्या है कि बैलेंस शीट का दोनों टाइप का क्वेश्चन
या दोनों तरफ का आंसर डी आर इज इक्वल टू सी आर होना चाहिए, दोनों तरफ का आंसर इक्वल होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अच्छे से शो हो रहा, ठीक है, जूम करके अगर पिक्सल फट रहा तो थोड़ा सा जूम कर लेना, सबको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, देख लेना क्वेश्चन को अपना अच्छे से एक बार, वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करना। सेम एज इसी टाइप का आपको लिए एक होमवर्क भी लाया हूँ क्वेश्चन, उसे भी नोट करना। क्वेश्चन 11 ये आपका होमवर्क है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना एक बार क्वेश्चन को अच्छे से करके, और फिर कल डिस्कशन होता है इस क्वेश्चन का भी, ठीक, ओके।